Bismillahir Rahmanir Rahim. Chitral Students Welfare Association ke sadar general secretary wa digar elected membran sahiban subah Sindh ke chief organizer All Pakistan Muslim League ke chief organizer Sayyid Wazir Ali Shah Sahib Muhtarama Atika Odo Sahiba Hamid Qureshi Sahib Muazzaz Khawatinu Hazrat Chitral ke Students اور چترال سے آئے ہوئے قابل قدر حضرات میں سب سے پہلے چترال Students Welfare Association کے صدر اور ان کے دیگر کارکنان اور سارے Students کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے اس پررونق تقریب میں مجھے بحیثیتی مہمان خصوصی یہاں مدعو کر کے مجھے یہ اعزاز آپ نے بخشا میں خدا کے فضل و کرم سے اور چترالی قوم کے تعاون سے 1983 سے میں چترال کی نمائندگی کر رہا ہوں چترال کو میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں 1983 میں بلا مقابلہ ڈسٹرکٹ کونسل چترال کا میں چیئرمن بنا 1985 میں نیشنل اسمبلی کا ممبر بنا 1987 پھر میں بلا مقابلہ ڈسٹرکٹ کونسل چترال کا چیئرمن بنا 1990 میں نیشنل اسمبلی کا ممبر بنا پھر میں ممبر نیشنل اسمبلی کا ممبر بنا اور 2002 کے الیکشن میں پھر میں نیشنل اسمبلی کا ممبر بنا مطلب یہ ہے کہ میں دو دفعہ بلا مقابلہ ڈسٹرکٹ کونسل کا چیئرمن بنا ایک دفعہ میں ڈسٹرکٹ ناظم بنا اور چار دفعہ میں نیشنل اسمبلی کا ممبر بنا یہ خداوند تعالیٰ کی مہربانی اور چترالی قوم کی برکت اور ان کی تعاون کی وجہ سے ہوا میں نے بحیثیتی ممبر چترال یا بحیثیتی چیئرمن ڈسٹرکٹ کونسل میں نے اپنی توفیق کے مطابق جو خدمات میں نے انجام دی مختصراً میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ چترال رقبے کے لحاظ سے صوبہ سرحد کا سب سے بڑا ضلع ہے 14,850 مربع کلومیٹر علاقہ پر بھی پھیلا ہوا ضلع ہے ملاکن ڈیویژن میں جو 6 ضلع ہیں باقی 5 ضلعوں کا جو رقبہ ہے وہ چترال کے برابر ہے وہ اتنا بڑا ضلع ہے دشوار گزار علاقہ ہے پہاڑی علاقہ ہے لیکن میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ خدا کے فضل و کرم سے چترال کا کوئی کونہ کوئی ویلی ایسا نہیں ہے جہاں گاڑی جیپ کا جو جیپ گاڑی ہے ادھر نہ پہنچتا ہو آپ کو معلوم ہے
कि पहले क्या हालत थी, सिवाय एक दो जगह जहां अभी तक गाड़ी नहीं पहुंची। एक वो है अरंदु गोल, जो कि जुनूब की तरफ अफगानिस्तान की सरहद में हमारा एक इलाका है, उस वैली में सड़क अभी तक नहीं बना। बाकी तमाम वैलीज में, तमाम इलाकों में खुदा के फजल करम से गो की कच्चा तंग, लेकिन गाड़ी हर जगह पहुंचती है। नंबर दो, गरीब लोगों का सबसे बड़ा मसला उनका पेट है। आपको मालूम है कि चित्राल में इतनी पैदावार नहीं होती जो कि उन लोगों की जो ज़रूरत है उनके लिए वो पूरा हो। मैंने ये कोशिश की और आप अब खुदा के फजल व करम से चित्राल का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां सरकारी कैरिज पर गंदम उधर न पहुंचता हो। यह मामूली काम नहीं है, इसमें करोड़ों रुपए लगते हैं गवर्नमेंट के। और ये गंदम भी जीपों में उधर पहुंचाया जाता है। आपको मालूम कि पहले क्या हालत थी, पहले क्या हालत थी तुर्कों में, क्या थी तुर्कों में, मैं अब नाम लेना चाहता हूं, मेल्प का, खुद का, रिच का, मुल्कों में तेरिज का, कुशुम का, गोहकीर का, लोन का, ओवीर का। इसी तरह गर्मचश्मा साइड पे आप जाएं, करीमाबाद जिसे ओजुर भी बोलते हैं, अरकरी, गोबोर, बेगुश्त, द्रोश की तरफ आए, उर्सून, जिंजरेतकू, दमेल, ये इलाके, मदगलश्त, खुदा के फजल करम से लोगों की ज़रूरत के मुताबिक सरकारी कैरिज पर हर एक गांव में कम से कम गंदम उनकी ज़रूरत के मुताबिक पहुंचता है। दीर में ये नहीं है, सवाद के इलाकों में नहीं है, बुनेर में नहीं है, हालांकि वो भी मराकन डिवीज़न के ज़िले हैं। तीसरा, कोई ऐसा गांव जहां की आबादी घराने 40 या 30 या 20 हों, वहां स्कूल ना हो, कम से कम प्राइमरी स्कूल छोटे से छोटे गांव में भी खुदा के फजल करम से हैं। बाकी मिडिल स्कूल और हाई स्कूल आप सबको पता है, तुर्कों में, मुल्कों में, मस्तूज में, मुझे उनको शुमार करने की कोई ज़रूरत नहीं। बहरहाल मेरी पॉलिसी यही रही है कि मैं किसी पार्टी के खिलाफ बोलने की मेरी आदत नहीं है, किसी लीडर के खिलाफ बोलना मुझे पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है। जितने भी गवर्नमेंट्स बनी हैं हम सब के मशकूर हूँ, उन्होंने अपनी बसात के मुताबिक चित्राल के लिए उन्होंने काम किया है, हम किसी के खिलाफ बोल नहीं सकते, किसी पार्टी के खिलाफ, किसी लीडर के खिलाफ बोलना मेरी आदत नहीं है। लेकिन जनरल मुशर्रफ ने बहैसियत प्रेसिडेंट पाकिस्तान चित्राल की जो खदमत की है वो आप सबको मालूम है। मैंने आपको बताया कि 4 दफा मैं नेशनल असेंबली का मेंबर बना। इस दफा जब इलेक्शन हुआ तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर उन्होंने मेरी मुखालफत की, मैं उनका एहतराम करता हूं। जमाती इस्लामी, JUI, पीपल्स पार्टी का ज़िला नाजिम, तहसील नाजिम और यूनियन काउंसिल के नाजिमीन 14-15 सब मिलकर उन्होंने मेरी मुखालफत की। लेकिन
जनरल मुशर्रफ ने चित्राल को चित्राल की जो खदमत उन्होंने की थी, चित्राल में अरबों रुपए का जो सरमाया चित्राल के गरीब लोगों के बहबूद के लिए जो लगाया था, उसका फोटो मैंने अपने सर पे लगाकर लोगों उनके खदमात को अवाम के सामने पेश करके मैंने वोट मांगा। और खुदा के फजल से इतनी पार्टियों की मुखालिफत के बावजूद मैं इलेक्शन में कामयाब हुआ। कामयाबी के बाद जब मैं इस्लामाबाद आया, जनाब गिलानी साहब ने मुझे बुलाया, जनाब सर हमारे प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने बुलाया कि भाई आप हमें वोट दें सदारत के इलेक्शन में। उस वक़्त जनरल मुशर्रफ ने इस्तीफा नहीं दिया था, पाकिस्तान का सदर था। मैंने उनको, मेरे साथ और भी मेम्बरान थे, पंजाब के सरदार तालिब नकई, कोयटा के बुख्ती साहब, दूसरा नौमान लंगड़ियाल पंजाब के, सिद्दीक पंजाब के, तीन चार और। मैंने उनको कहा कि मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं, वो ये है कि जनरल मुशर्रफ अगर नेशनल असेंबली में एतिमाद का वोट लेने आया, अगर मैं अकेला रहा, मैं जनरल मुशर्रफ को वोट दूंगा, मैं आपको वोट नहीं दे सकता। इनका नाम मैंने इसलिए लिया कि आप उनसे पूछ सकते हैं, वो गवाह हैं। मैंने उनको कहा कि नहीं, हो सकता मैं नहीं दूंगा आपको अगर जनरल मुशर्रफ आया, वो मेरे गवाह हैं, सरदार न कहे, आप पूछ सकते हैं उनसे, कभी आपके बड़े अगर इस्लामाबाद आ जाए मैं आपको उनके साथ मिलाऊंगा। क्यों? वो इसलिए कि जनरल मुशर्रफ ने गिलगित और चित्राल के दरमियान रास्ता बनाया। गिलगित से बस आता है, मस्तूज से बस गिलगित को जाता है, हमारे अपर चित्राल के